कैसे करूं यकीन? अब तक तुमने जितने भी वादे किए ना, कोई एक भी पूरा नहीं हुआ। ये बॉल है ना, ये तो मैं काट के फेंकूंगा, लेकिन अगली दफा तू मुझे यहाँ नजर आए ना, तो ये थोबड़ा भी तोड़ दूंगा तेरा। मुझे नहीं करनी इस शख्स से शादी। उठे चलते बने। आखिरी बार भाई के फोन पर शाहिद से ही बात हुई थी, झगड़ा हुआ था दोनों का। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उससे पता चल रहा है कि उसका कत्ल दोपहर 3 से 4 बजे के दरमियान हुआ। अब मैं इस घर में बारात लेकर नहीं आऊंगी, मैं यहाँ से नुस्बत तोड़ के जा रही हूँ। क्या कर रहा है यार? अबे भाई ले छक्का खा लिया छक्के ने। क्या कर दिए यार? देख बिलाल के घर पे गई है, मैं लेकर आता हूँ। मैं लेके आता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जाहिर सी बात है, तू जाएगा लेने के लिए भाई। चल भाई नौमी भाभी, अब तेरा आवर हो गया खत्म। भाभी होगी तेरी माँ, चुपचाप पढ़ा रहे कमबख्त। फिर आ गए, अब क्या चाहिए? पिछली बार शायद अपना दिल भूल गया था, अगर मिले तो प्लीज लौटा दें। खैर वो तो नहीं मिल सकता, हाल बता अगर बॉल चाहिए तो बताओ। अबे यार ये फैसल कहाँ रह गया? लगता है वहीं अटक गया रोमियो। हाँ जल्दी बुलाओ ना उसे, मैं तो ऐसा छक्का मारूंगा घुमा के कि सब देखते रह जाएंगे। रोमी भाभी तू छक्का नहीं मारी हो, अगर छक्का मारा ना बिरादरी वाले बुरा मान जाएंगे। मुझे एक बात तो बताओ नौमी भाभी, क्या तुम्हारे घर में बाकी और भाई भी ऐसे हैं क्या? अलहट वो तो सब तेरी तरह घामड़ हैं, इसलिए तो भाग आई मैं मुल्तान से यहाँ, और मतलब भाग आया। बिलाल 2 साल हो चुके हैं, और कितना इंतजार करूँ मैं तुम्हारा? मौजिया थोड़ा और सब्र कर लो, सब जल्दी ठीक हो जाएगा। कैसे करूँ यकीन? अब तक तुमने जितने भी वादे किए हैं ना, कोई एक भी पूरा नहीं हुआ। ना ही तुम्हारे घर वाले रिश्ता लेके आए, और ना ही तुम अपने पैरों पे खड़े हो सके। अब तक तो मैं पढ़ाई का बहाना करके टालती रही, मगर अब ये मुमकिन नहीं है। क्या मतलब? किसी का रिश्ता आ रहा है? बोलो। आया नहीं, आने वाला है। शाहिद को तो तुम जानते हो, वो आरओ प्लांट वाला, एक अरसे से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तुम्हारा भाई पागल तो नहीं हो गया? उसकी उम्र देखो, और तुम्हारा और उसका क्या जोड़ है? मैं तो उसे घास भी नहीं डालती। अब उसने साबिर भाई से दोस्ती कर लिया, और कल वो अपनी बहन के साथ रिश्ता लेके आ रहा है मेरे घर। मगर मैं क्या कर सकता हूँ, हालात तुम्हारे सामने हैं सारे फौजिया। तुम्हारे इंतजार में मेरी उम्र निकलती जा रही है बिलाल। देखो अब मैंने कुछ नहीं करना, जो करना है ना तुमने करना है। तुम जानती हो कि अम्मी की तबीयत खराब है, और मार्केट में जॉब्स भी नहीं है। तो ठीक है, जब तुम्हारी अम्मी की तबीयत ठीक हो जाएगी ना, तभी बात होगी। अल्लाह हाफिज़। हेलो हेलो, बात बताऊं, ये इसकी बोल की जो डायरेक्शन है ना वही गलत है। ये आता यूं भागता हुआ और यूं आके यूं दे देता है। अबे तो छक्का तो खाएगा फिर तू। छोड़ दो यार इस पीछे। ओए बिलाल, अबे क्या हो गया तुझे भाई? इसको क्या हो गया? इसका तो मुंह हमेशा ऐसे ही लटका रहता है। आइया बिलाल, अब खैर नहीं है स्पेशल की, कचुंबर निकाल देगा इसका। अच्छा फैसल, अब ये बॉल पकड़ो और प्लीज जाओ यहाँ से, इससे पहले कि भाई ना आ जाए। अगर भाई आ गया ना तो अरे क्या कर लेगा वो, हैसियत क्या है उसकी, कंगला एक नंबर का। देखना जिस लड़की के पीछे वो पागल बना फिर रहा है ना, चंद दिनों में वो भी उसके हाथ से निकल जाएगी। मना किया ना तुझे यहाँ आने से, क्या लेने आए हो यहाँ पे, तुम खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? चलो अंदर। ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रहे हो? मैं दूसरे बॉल लेने आया था।
ये बॉल है ना, ये तो मैं काट के फेंकूंगा, लेकिन अगली दफा तू मुझे यहाँ नजर आए ना तो ये थोबड़ा भी तोड़ दूंगा तेरा। देख मैं तमीज से बात कर और तू सर पे चढ़े जा रहा है, जानता नहीं है तू मुझे? जानता हूँ बहुत अच्छे से। हो गया, चल अभी निकल, चल पछताएगा। माशाल्लाह 2 RO प्लांट है मेरे भाई के, 70-80 हज़ार तो आराम से कमा लेते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है हमारे घर में, शुक्र है अल्लाह पाक का, हर चीज़ है हमारे पास। और शायद को तो भाई आप भी जानते हैं मेरा भाई कितना सुलझा हुआ है, लाखों में एक है माशाल्लाह। अरे भाजी आप क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं, ये सब आपकी तरबियत का नतीजा तो है। अरे सभी भाजी आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, 1 साल हो गया है हमारी दोस्ती का, बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ मैं, बस मेरी तरफ से तो आप हाँ ही समझे। मगर मेरी तरफ से ना है। फौजिया ये क्या बदतमीजी है, और तुम्हें तो मैंने चाय लाने के लिए कहा था। इन लोगों के लिए यहाँ कुछ भी नहीं, मुझे नहीं करनी इस शख्स से शादी, उठे चलते बने। अरे शायद तुम इस बदतमीज लड़की के लिए मुझे यहाँ लाए थे, इससे बेइज्जत करवाने के लिए? अरे बाजी अब नाराज मत हो, ये तो फौजिया क्यों नहीं करनी तुम्हें शादी, क्या सारी जिंदगी यहीं बैठी रहोगी? हाँ बैठी रहूंगी, मगर इस बुढ़े से शादी नहीं करूंगी। अरे आपने उम्र देखी है इसकी, हमारे अब्बा की उम्र का लगता है। अरे आजकल उम्र कोई नहीं देखता, पैसा देखते हैं लोग, पैसा रेल बेल है हमारे घर में पैसे की, 2-2 प्लांट है मेरे भाई के पानी के। अरे कौन सी दुकान है, कब्जे की जमीन पे बनाई हुई है, और मोहल्ले में बोरिंग का पानी बेचता है। बदतमीज लोगों को शर्म ही नहीं आती, मोहल्ले के हर घर में रिश्ता भिजवा चुका है और सबने मना कर दिया। मैं तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आप पे किस चीज का जादू चल रहा है। आप अगर एक लफ्ज भी तुमने और कहा ना तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बहन हो। अरे साबिर भाई आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं, इसे थोड़ा टाइम दें, समझदार है समझ जाएगी। चलें भाजी हम फिर आ जाएंगे। हाँ चलें निकलें, और आइंदा ना यहाँ आने की जरूरत नहीं। चलो शायद चलो, ये तो इतनी बदतमीज लड़की है। और लड़की तुम मेरी बात कान खोल के सुन लो, मैं इसी मोहल्ले से 16 साल की लड़की से शादी करवाऊंगी अपने भाई की, तुम यहीं इसी दलील में सड़ती रहना। बदतमीज, पता नहीं कैसी परवरिश की है माँ बाप ने। आज के ये मुझ दिन देखने से पहले मैं तुम्हें कत्ल कर देता। ये सिला दिया तुमने मुझे मेरी कुर्बानियों का, कहीं तुम्हारा किसी लड़के के साथ कोई चक्कर? बोल कौन है वो, बोल कौन है वो आदमी, मैं जिंदा गाड़ दूंगा उसको। कोई भी नहीं है, मैं तो उस शाहिद अंकल की। अरे बकवास बंद कर, उम्र की कुछ लगती तुम क्या समझती हो, तो मुझे नहीं बताओगी तो मुझे पता नहीं चलेगा उस शख्स का, मैं ढूंढ के निकालूंगा उस शख्स को और फिर देखना मैं क्या हशर करता हूँ उसका, तुम याद करोगी। क्या बदतमीजी है, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? ये दिमाग तो तेरा मैं ठीक कर। क्या हो गया है, क्या हो गया, हिम्मत कैसी हुई तेरी फौजिया के घर रिश्ता भेजने की, तू जानता है ना वो सिर्फ मेरी है, मोहब्बत करता हूँ मैं उससे। मोहब्बत सड़क छाप 2 कोड़ी के गुंडे तेरे पास है क्या है? मोहब्बत करने चला कंगला कहीं का? तुझे किस चीज पे घमंड है, कब्जे की जमीन पे तू बोरिंग वाला पानी बेच रहा है, ये सब तेरा घमंड और पैसा है ना, ये सब धरा का धरा रह जाएगा। अबे मैं कुछ तो बेच रहा हूँ, पानी तो बेच रहा हूँ, तू क्या बेच रहा है, खाली बोल बचन बेच रहा है, मंजन बेच रहा है तू? देख मैं समझा रहा हूँ, फौजिया से दूर रहे वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या होगा है? क्या होगा, बदतमीजी नहीं करना, छोड़ दे, बदतमीजी नहीं करना, बदतमीजी करता मेरे साथ। अंकल क्यों मार रहे हो उसको, बच्चा है यार। अरे मुंह संभाल के बात कर अंकल। मेरा मतलब शायद भाई क्या हो गया यार, क्यों मार रहे हो उसको, समझाओ इसे, बदतमीजी करने लगा मेरे साथ ये। नासिर देख यार मार रहे हैं मेरे को। अच्छा आप जाएं मैं समझाता हूँ, आप जाएं। समझाओ इसे, आइंदा बदतमीजी मत करना। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 315 के तहत अगर कोई शख्स इरादतन किसी हथियार या किसी फेल से किसी को जिस्मानी या जहनी नुकसान पहुंचाए जो इसकी मौत का सबब बने तो उसे कत्ल शुबे अम्त का मुर्तकिब करार दिया जाएगा जिसकी सजा 14 साल तक हो सकती है।
पढ़ा रहे सारा दिन ऐसे मनुष्यों की तरह पढ़ा रहा कर। अरे उस लड़की के इश्क ने ना तुझे निकम्मा बना दिया है। अरे तेरे बाप की पेंशन से अब घर का गुजारा नहीं होता। अरे उठ और कोई काम धंधा ढूंढ। अरे तुझसे बोल रही हूँ, सुन रहा है नहीं सुन रहा? मैं खुदा का वास्ता थोड़ी देर के लिए तो खामोश हो जा, सर फटा जा रहा है मेरा। नहीं कर सकती तो एक कप चाय बनवा दो नौरीन से कह के। हाँ हाँ, हम तो तेरी खदमत के लिए हैं, तुझे चाय पानी देते रहे। अरे जूता चाय बनवा देती हूँ तुझे। अरे अरे तू कहाँ चला आ रहा है? अरे खाला तुम्हारा दरवाजा खुला होता है, बंद कब होता है? बस आ गया इससे मिलने बिलाल से। अरे तुझसे कहा भी था कि मुर्गियों को निकाल के दरवाजा बंद कर दिया कर, लेकिन तू कहाँ निकम्मा सुनने वाला। ना गुस्सा क्यों कर रही है आप, क्या हो गया? तो गुस्सा ना करूं तो क्या इसके सदके उतारूं, बलाएं लूं? अरे समझा, इसे समझा, तेरी तरह कोई काम धंधा ढूंढ ले, सारा दिन पड़ा रहता है कमर तोड़ता है। अरे हाय, छत पे रोटियां सुखाने डाल दी, वो भी कव्वे खा जाएंगे। पड़े रहो, सारा दिन पड़े रहो। भाई क्या हो गया तुझे, क्यों मुंह लटकाए क्यों बैठा हुआ है तू? तो और क्या करूं, क्या करूं यार, और फौजिया से बात नहीं हुई है मेरी, 3 दिन हो गए फोन नहीं उठा रही मेरा। मुझे तो लगता है शायद ने जैसे साबिर भाई को शीशे में उतारा था ना, फौजिया को भी अपने जाल में फंसा लिया यार। नहीं यार, फौजिया ऐसी लड़की तो नहीं है। एक बात बताऊं तुझे, ये पैसे में ना बड़ी ताकत है, और मुझे तो लगता है शायद ने ना उसी के जादू में उसे फंसाया होगा। यार मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, तू मेरी मदद करना, बताना मैं क्या करूं यार। एक शख्स है जो तेरी मदद कर सकता है, वो है ना अपनी नौमी। वो नौमी? वो ख्वाजा सरा, वो मेरी क्या मदद करेगा? अबे भाई, इन लोगों की दुआ में बड़ी तासीर होती है, लोग ढूंढ ढूंढ कर इनसे दुआएं कराते हैं, और मेरी नौकरी भी तो उसी की दुआ से लगी है। तू सच कह रहा है? हाँ भाई सच कह रहा हूँ, लेकिन यार एक मसला है, ये नौमी ना बड़ा खबीस है, ये दुआ करने के पैसे लेता है। मेकअप वेकअप कहाँ आता है उसे? वो अपनी पड़ोस वाली खाला है ना, रजिया खाला, उनकी बेटी को बंदरी बना दिया था उसकी शादी में। वैसे तेरा काम पक्का हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तू एक काम कर, पैसों की फिक्र मत कर, मुझे ले चल उसके पास। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चल चल चल। भाभी भाभी कहाँ जा रही हो? अरे अल्लाह, खा दो, हटो यहाँ से, ऐसी बल्ले से सर फोड़ दूंगी तुम्हारा। हाँ हटो यहाँ से, चलो भागो। ओए चलो ना, क्या कर रहे हो, चलो दफा हो जाओ वरना कान के नीचे लगेगी, पहले बता रहा हूँ। आता डांट के बात। अच्छा नौमी भाई तुमसे काम है यार। बोलो। ये अपना दोस्त है बिलाल, फिर ये ना उस फौजिया के चक्कर में दीवाना हो गया है। अच्छा, मगर एक मसला हो गया है। क्या मसला? वो फौजिया ना, उसे ना शाहिद ने अपने जादू में फंसा लिया। अब मैं इसे तुम्हारे पास इसीलिए लेके आया हूँ कि तुम दुआ करो इसके लिए। मुझे पता है ख्वाजा सरों की दुआ में ना बड़ा असर होता है। ख्वाजा सरा, चुप, किसी ने सुन लिया तो मैं बेघर कराएगा मुझे। वो मकान मालिक दुबई से फ्लैट लेकर आ जाएगा या मकान खाली कराने के लिए। हाँ कौन सा मकान, हर दरवाजे पर तो ताला पड़ा रहता है उस घर के। हाँ तुझे खोली दे के रखी हुई है। हाँ तो क्या हुआ, जब मुल्तान से यहाँ आई थी तो ना कोई सामान था ना साहिबान, अब सर के ऊपर कम से कम छत तो है। हाँ यार तुम ये सब छोड़ो, मेरा काम तो हो जाएगा ना? हो जाएगा, मगर 15,000 रुपये लगेंगे पूरे। हाँ 15,000? हाँ मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा यार। वो तुम जानो, हमारा काम तो सिर्फ दुआ करना है, दुआ करने की देर है और महबूब आपके कदमों में। मैं पीर साहब से भी कह दूंगी कि दुआ कर दें इसके लिए, और काला मुर्गा भी कटवा दूंगी साशिक के लिए। हाँ ठीक है, मैं करता हूँ। हाँ ठीक है, जब हो जाए तो मुझे बता देना, काम हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है अब मैं चलती हूँ, मुझे दुल्हन तैयार करनी है। एक टेंशन मत ले तू, ठीक है, तू बस पैसों का बंदोबस्त कर वरना वो फौजिया तेरे हाथ से निकल जाएगी। नहीं नहीं मैं करता हूँ। हाँ हाँ कुछ करते हैं। चल कहाँ चली गई, कल तो मैंने यहीं पे रखी थी बालियाँ, कहाँ चली गई?
अरे कहाँ चली गई? अरे बिलाल, तूने मेरी बालियां देखी है? अलमारी में रखी थी। अम्मा, एक तो मैं पहले ही इतना परेशान हूँ, और तुम्हारी बालियां पहन के क्या मैं नौमी की तरह गलियों में घूमूंगा? इससे पूछो। अरे दफा हो। नौरीन, तूने देखी है मेरी बालियां? यही कल तक रखी हुई थी अलमारी में। बालियां? अरे वही बालियां जो तू अपनी दोस्त की शादी में पहनने के लिए मरी जा रही थी। अम्मा मुझे क्या पता, मुझे खुद भी कई रोज से वो बालियां नहीं दिखाई दे रही। कहाँ चली गई बालियां? अगर तूने बालियां नहीं देखी, तूने चुराया है। बालियां तो तूने ही चुराई हैं और बेच के ये नया मोबाइल लिया है। अम्मा फोन दो मेरा, मैंने तुमसे कहा ना फोन दो मेरा। मोबाइल तो मैं तुझे नहीं दूंगी, सिलबट्टे से तोड़ दूंगी। अरे तेरे बाप की आखिरी निशानी है वो। अरे वो बालियां तेरे बाप ने मुझे मुंह दिखाई में दी थी। अम्मा मैंने तुमसे कहा है ना, मैंने कोई चोरी नहीं की, मोबाइल मेरी दोस्त ने दिया है। कौन सी ऐसी दोस्त आ गई जो तुझे मोबाइल दे रही है? सच्चा बता, मेरी बालियां कहाँ हैं? याद रखना, एक एक को थाने में ले जाऊंगी, कोई औलाद वालाद नहीं देखूंगी उस टाइम। बता मेरी बालियां कहाँ हैं? फैसल, ये क्या तरीका है? क्यों मेरी इज्जत का जनाजा निकालना चाहते हो? तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं है? तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? पता है कितना परेशान हो गया था मैं, इतनी फिक्र खाई जा रही थी मुझे। कैसे उठाती? लड़ाई के बाद अम्मा ने उससे मोबाइल ले लिया था। लेकिन अभी प्लीज चले जाओ, भाई आते हुए ही होंगे। अरे मैं नहीं डरता तुम्हारे उस भाई से, किसी से नहीं डरता मैं। जो भी हमारे दरमियान आएगा उसे मैं रास्ते से हटा दूंगा। देखो सुनो, मेरी बात सुनो। देखो तुम मेरे साथ चलो, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, बहुत दूर। इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है, मुझे थोड़ा सा टाइम दो सोचने के लिए। लेकिन अभी प्लीज इस वक्त चले जाओ। देखो अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन जब दोबारा आऊंगा तो अकेला नहीं जाऊंगा मैं। अब यहाँ से क्यों जा रहे हो? दरवाजे से जाओ। हाँ हेलो। हेलो नासिर, यार धोखा हुआ है मेरे साथ, फ्रॉड हुआ है। वो फौजिया शायद से मंगनी कर रही है यार, तू बता मैं क्या करूँ। अरे बिलाल हिम्मत से काम ले, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहाँ से लाऊं हिम्मत, कहाँ से लाऊं? आज किसी और की हो जाएगी और मैं देखता रह जाऊंगा यार। अरे देख तू परेशान मत हो। अच्छा तू एक काम कर, शायद से बात कर। देख वो समझदार आदमी है, उसे अपना मसला बता, उसे कायल करने की कोशिश कर। वो क्यों सुनेगा मेरी बात? सबसे बड़ा दुश्मन तो वही है मेरा, वो मेरी जिंदगी तबाह करना चाहता है यार। यार देख बात सुन, तू बात तो कर, कोशिश तो कर उसे मनाने की। तू उसे बता कि तू फौजिया से कितनी मोहब्बत करता है, वो मान जाएगा। अच्छा बात सुन, नंबर है तेरे पास उसका? नहीं नंबर नहीं है मेरे पास। अच्छा मैं तुझे भेजता हूँ, और बात सुन परेशान मत होना, समझा? चल ठीक है। हेलो शाहिद, मैं बिलाल बात कर रहा हूँ। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 392 के तहत अगर कोई शख्स चोरी, डकैती या रहजनी का मुर्तकिब करार पाता है तो उसे कम से कम 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 10 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई जाएगी। दूसरा दिन चढ़ाया है, अब तक बिलाल नहीं लौटा, फोन भी बंद जा रहा है उसका। मेरा तो दिल डूबा जा रहा है, ना जाने किस हाल में होगा। अरे तू तो जाग रही थी, पूछ नहीं सकती थी कहाँ जा रहा है, किससे मिलने जा रहा है।
हमें में उसने बावर्ची खाने में थी। मैंने सिर्फ इतना सुना था कि वो शाहिद से फोन पर झगड़ा कर रहे थे और फिर बात करते हुए बाहर चले गए। ये शाहिद फौजिया ने जिससे मंगनी की है, अरे मेरे बेटे को दीवाना और पागल बना के रखा है और अब शाहिद की दुल्हन बन रही है। हमें हौसला कर रहे हैं, आ जाएगा भाई, आप चुप हो जाए देखिए। खाला, पागलों की तरह हर जगह तलाश किया मगर वो नहीं मिला। अस्पताल और मुर्दा खाने तक देख लिए मगर बिलाल का कुछ पता ही नहीं चल रहा। मुझे पता है वो कहाँ होगा। वो शाहिद और फौजे की जगह। नूरी, तू पुलिस को फोन मिला? अरे जा फोन कर तू। अम्मी मैं अभी मिलाती हूँ। मुझे यकीन है मेरे बेटे की गुमशुदगी में शाहिद और फौजिया का हाथ है, पूरा यकीन है। आखिरी बार भाई के फोन पर शाहिद से ही बात हुई थी, झगड़ा हुआ था दोनों का। झगड़ा? अगर इंस्पेक्टर साहब, उनका झगड़ा तो कुछ दिन पहले ही हुआ था इसी मोहल्ले में। इंस्पेक्टर साहब, शाहिद ने बहुत मारा था बिलाल को। शाहिद? आप फिक्र न करें, हम उसे देख लेंगे। आप ये बताएं कि बात दरअसल ये है कि यहाँ से कुछ किलोमीटर के फासले पर एक प्लाट से एक लाश मिली। लाश? आप हमें क्यों बता रहे लाश का? हो सकते है, हो सकते है कि वो लाश बिलाल की ही हो, लेकिन अपनी तौर पर अभी हम कुछ कह नहीं सकते। तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा लाश को शिनाख्त करने के लिए। जो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उससे तो यही मालूम हो रहा है कि मकतूल बिलाल को किसी नौकीली चीज से वार करके कत्ल किया गया। जी हमने सर, ऐसा ही लगता है कि किसी औजार को आलाई कत्ल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जब तक हतमी रिपोर्ट नहीं आ जाती उस वक्त तक हम कोई फैसला नहीं कर सकते। तो मकतूल के कत्ल के इल्ज़ाम में क्या किसी को गिरफ्तार किया गया है? मैडम, कत्ल का मुकदमा मकतूल की वालदा कनीज बीबी की मुदय्यत में शाहिद अहमद के खिलाफ दर्ज किया गया। जुर्म का मौरिक जज्बा रकाबत था। बिलाल जिस लड़की से मोहब्बत करता था, शाहिद अहमद की शादी उसी से होने वाली थी और यही रकाबत झगड़े और दुश्मनी का सबब बनी जिसके नतीजे में बिलाल का कत्ल हुआ। हमने मुल्ज़िम शाहिद को गिरफ्तार कर लिया है। अच्छा, अभी तक जितनी इन्वेस्टिगेशन हुई है उससे ये मालूम हुआ है कि मकतूल उस रोज़ सुबह 11 बजे अपने घर से निकला है और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उससे पता चल रहा है कि उसका कत्ल दोपहर 3 से 4 बजे के दरमियान हुआ। जी हाँ, तकरीबन 3 से 4 बजे के दरमियान मुल्ज़िम शाहिद का फ़ोन उसी इलाके में एक्टिव था जहाँ से बिलाल की लाश मिली है। हमने बहुत कोशिश की कि हमें कोई ऐसा गवाह मिल जाए जिसने उसको लाश फेंकते हुए देखा हो, लेकिन हमें इस मसले में कोई कामयाबी नहीं है। और मेरे ख्याल में अभी तक आलाए कत्ल भी आप लोगों को नहीं मिला। मुलजिम से जो बातचीत की है उसमें वो क्या बयान दे रहा है अभी तक? आलाए कत्ल की तो तलाश जारी है और जहाँ तक मुलजिम का ताल्लुक है वो तो अपने जुर्म से इनकारी है। उसका यही कहना है कि वो अपनी नई दुकान की ज़मीन देखने के लिए उस इलाके में गया था, लेकिन हमें यकीन है कि वो पुलिस को गुमराह करने के लिए ये बातें कर रहे हैं। और मकतूल का सेलफोन कहाँ से मिला? मैडम, उसी प्लॉट से मिला था सेलफोन जहाँ से बिलाल की लाश मिली थी। बैटरी ख़त्म होने की वजह से फ़ोन ऑफ हो गया था। सविया बाजी, आप क्या हुआ, सब खैरियत तो है? अरे वाह, मेरे मासूम भाई को वहाँ हवालात में बंद करवा कर मुझसे खैरियत मालूम करते हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म करो। अरे सबिया बाजी, कैसी बातें कर रही हैं आप? शाहिद की गिरफ्तारी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे यकीन है कि वो जल्द रिहा हो जाएगा और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। वो तो रिहा हो ही जाएगा, मगर अब मैं इस घर में बारात लेकर नहीं आऊंगी। मैं यहाँ से नुस्बत तोड़ के जा रही हूँ, समझो तुम।
हाँ फैसल। हाँ कैसी हो? कैसी हो मतलब? इतने बड़े सानहे से गुजरने के बाद कोई भला कैसे हो सकता है? देखो अब हमारे रास्ते का असल कांटा हट चुका है। फैसल वो मेरा भाई था। और तुम? मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, अभी अम्मी उठ गई हैं शायद। अल्लाह हाफिज़। सभ्या बाजी ये क्या बात हुई? शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़िया का खेल है? जब चाहा आपने रिश्ता तोड़ दिया और जब चाहा रिश्ता जोड़ लिया। अरे खेल तो तुम लोगों ने खेला है, अपनी बहन के आशिक को कत्ल खुद किया है और इल्जाम मेरे मासूम भाई पे लगा के उसे फंसा दिया है। अरे मगर हम बिलाल को कत्ल क्यों करेंगे? वाह बीबी वाह, हम क्यों कत्ल करेंगे? वो इसलिए कत्ल करेंगे क्योंकि वो तुम्हारा आशिक था। अगर तुम उसे कत्ल न करवाते तुम्हारी हसीयत मेरे भाई को बता देता। अरे मैं तो उस दिन इस लड़की को जान गई थी, तो मेरी बदकिस्मती थी कि मैं अपने भाई की खातिर चुप कर गई। मगर अब मैं नहीं चुप करूंगी, अब मैं पूरे मोहल्ले में बताकर जाऊंगी तुम लोगों का। आज से तुम लोगों से मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है, समझो तुम? फाड़ में गए तुम लोग। जाओ बाजी बाजी। पुलिस का कहना है कि जिस प्लॉट से बिलाल की लाश मिली है उस प्लॉट से ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले कि कत्ल की वारदात भी वहीं पर की गई है। और एक हैरत अंगेज बात यह है कि लाश के आसपास से जो टायरों के निशान मिले हैं ना, वो किसी गाड़ी के नहीं है बल्कि एक मोटर बाइक के। बाइक पे? मतलब बाइक पे तो अजीब सी बात है कि लाश बाइक पर ला के फेंकी गई, लेकिन इससे एक बात क्लियर होती है कि अगर बाइक पर लाके लाश फेंकी गई है तो इसमें एक से ज़्यादा लोग मुलव्वस हैं। एक बाइक चला रहा होगा और दूसरे ने लाश बैलेंस की दी है। शायद अहमद के पास भी बाइक है, हो सकता है कि उसने नौरीन के भाई साबिर के साथ मिलकर ये वारदात की। अच्छा वैसे डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है और उससे ये पता चलता है कि बिलाल को मरने से पहले किसी मशरूब में नशा आवर चीज़ मिलाकर पिलाई गई है। इससे भी यही बात साबित होती है कि जिसने भी उसे ये ड्रिंक पिलाई होगी उसका कोई जानने वाला ही होगा। एनीवे मुझे अभी तक मकतूल बिलाल के सेलफोन रिकॉर्ड्स भी नहीं मिले, तो रायो साहब से पूछो कि क्या हो रहा है इस हवाले से। मैं डिटेल्स कलेक्ट करता हूँ। मुझे तो अभी यकीन नहीं आ रहा कि बिलाल इस दुनिया में नहीं रहा। हाँ शाहिद से मंगनी फकत मेरी मजबूरी थी, लेकिन मोहब्बत मैं सिर्फ बिलाल से ही करती हूँ। अच्छा जब बिलाल का कत्ल हुआ जिस रोज़, उस रोज़ आपकी शाहिद से बात हुई थी? नहीं बात तो नहीं हुई थी, वो आया था उस दोपहर, भाई और वो बैठे कुछ देर बातें करते रहे, उसके बाद दोनों साथ ही बाहर चले गए थे। कुछ अंदाज़ा है कि वो कहाँ गए थे? नहीं मुझे अंदाज़ा नहीं है, भाई वैसे तो टीवी का काम घर में ही करते हैं, लेकिन थोड़ा काम जो बचता है वो शॉप पे जाके करते हैं। शायद उस दोपहर भी वो उधर ही। क्या शायद के अलावा बिलाल की किसी और के साथ दुश्मनी थी? सर बहुत जज्बाती आदमी था वो, हर किसी से झगड़ता रहता था। कुछ दिन पहले फैसल से भी उसकी मुँह मारी हुई थी सर। अच्छा फैसल, तो ये फैसल कौन है? यहीं अपने मोहल्ले में रहता है सर, बिलाल की बहन नौरीन से उसका चक्कर चल रहा था। हाँ सर याद आया, कुछ अरसा पहले बिलाल की वालदा की बालियां चोरी हो गई थी सर। मुझे तो शक है इसमें नौरीन और फैसल मुलफिस थे सर, सुना है दोनों भागने वाले थे साथ में। अच्छा तो भागने वाले थे। अच्छा तो आपके भाई टीवी रिपेयरिंग का काम करते हैं, आमतौर पर कब तक आ जाते हैं? मैं उनसे मिलना चाह रहा था। वो रात 11:30 बजे तक घर लौटते हैं, अभी भी वो शॉप पर ही होंगे। क्या आप मुझे उनकी शॉप का एड्रेस बता सकती हैं? ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 301 के तहत अगर कोई शख्स ये जानते बूझते भी कि उसके इस अमल से किसी की मौत भी वाक़ हो सकती है, लेकिन उस शख्स के अमल से उसके हदफ के बजाय किसी दूसरे फर्द की मौत वाक़ हो जाती है, तो इस सूरत में भी उसे कत्ले अम्द का मुजरिम करार दिया जाएगा और दफ़ा 302 के तहत उसे सजाए मौत या उम्र कैद की सज़ा मिलेगी।
अपनी बिल्डिंग मैनेजमेंट से पता करो ये रेनोवेशन का काम कब तक चलेगा। इतना शोर है, इंसान काम पर कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर सकता। से मेरे हेडेक है मैडम। हेडेक तो मुझे पुलिस की हरकतों से हो रहा है। अब बजाय इसके कि अगली हेयरिंग से पहले शाहिद के खिलाफ मजीद सबूत इकट्ठे करें, इन्होंने तफ्तीश में एक नया सस्पेक्ट शामिल कर लिए। अभी फैसल कौन है, इसका क्या ताल्लुक है सारे मामले से? मैडम बिलाल का दोस्त है नासिर, उसने ये फैसल पर शक जाहिर किया। फैसल और नौरीन का अफेयर था। नासिर ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि फैसल ने ही बिलाल की वालदा की बालियाँ भी चुराई। उसका दावा है कि बिलाल ने खुद ये बात उसे बताई। बालियाँ? इंटरेस्टिंग। आप मैडम मुस्कुरा क्यों रही हैं? लगता है कोई अहम सिरा हाथ आ गया। सिरा नहीं हाथ आया, एक ज्वेलर का विजिटिंग कार्ड शायद हाथ में आया। ये मकतूल का जो सेलफोन है ना, पुलिस की तहवील में है। कल मैं उसका सारा डेटा चेक कर रही थी तो उसमें जो फोटोज़ का फोल्डर है उसमें एक ज्वेलर का विजिटिंग कार्ड मैंने देखा है। अब ये पॉसिबल हो सकता है कि बिलाल ने खुद ये बालियाँ चुराई हों, नौरीन ने नहीं। तुम ज़रा पुलिस के पास जाके उस सेलफोन को दोबारा चेक करो, वो फोटोज़ के ऊपर पता चल जाता है कि किस तारीख को खींची गई है। तो वो चेक करो कि वो विजिटिंग कार्ड की तस्वीर क्या ये बालियाँ चोरी होने से पहले खींची गई थी या बाद में। मैडम वो तो मैं कलेक्ट कर लूँगा, लेकिन बिलाल की चोरी करें? आई डोंट नो, हो सकता है बिलाल के किसी दोस्त को इल्म हो इस हवाले से। ये तुम नासिर से पता करो, नासिर के साथ काफ़ी बातचीत करता था बिलाल। बल्कि वो जो इसका सेलफोन रिकॉर्ड है उसमें मैं देख रही थी कि लास्ट कॉल्स में शाहिद को कॉल करने से पहले बिलाल ने नासिर को भी कॉल की थी। करता हूँ मैडम, पहले मैं ये सरदर्द की पहले मेडिसिन खा लूँ। अच्छा एक और काम भी करता हूँ, बल्कि जो आखिरी 48 घंटे की जितनी भी मैसेजेस किए हैं ना बिलाल ने अपने फ़ोन से, उनकी भी ट्रांसक्रिप्शंस निकलवाओ। पता चले कि कहीं सेलफोन से किसी ने कुछ मैसेजेस डिलीट तो नहीं कर दिए, हो सकता है उससे कोई अहम क्लू मिल जाए। इंस्पेक्टर साहब, क्या आप क्या कह रहे हैं? बिलाल के कत्ल से हमारा क्या ताल्लुक? अरे हाँ और क्या, वो तो दोस्त था हमारा। दोस्त? दोस्त ही तो दोस्त की पीठ पे छुरा घोंपता है, और यही किया तुम दोनों ने। ये फोन रिकॉर्ड्स और SMS की ट्रांसक्रिप्शन है हमारे पास, जिसने तुम दोनों का भांडा फोड़ दिया है। नोमी और तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे अपने पैसे आज ही वापस चाहिए। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। ये वो मैसेज है जो बिलाल ने नासिर को भेजा था, और नासिर ने फ़ोन फेंकने से पहले ये मैसेज डिलीट कर दिया था। अच्छा वैसे अब अगर ये मैसेजेस की ट्रांसक्रिप्शंस देखो तो साफ पता चलता है कि मकतूल बिलाल और नासिर का पैसों के हवाले से झगड़ा चल रहा था। एंड आई एम श्योर कि ये वही पैसे थे जो बालियां बेच कर मिले थे। मैडम बिलाल से बात करने के बाद इसने इसी नोमी से रब्ता किया था। इसे मोहल्ले में सब नोमी भाभी के नाम से जानते हैं। ये एक ख्वाजा सरा है और मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर काम करता है। अल्लाह कसम से मैं तो बिल्कुल सच कह रही हूँ, हमने तो कुछ नहीं किया। वो तो हमारा दोस्त था, भला हम क्यों मारेंगे उसे। ओए ड्रामेबाजी बंद कर, नहीं तो तुम्हें औलाद मिले जाके तुम्हारी ऐसी दुर्गत बनाऊंगा कि तुम्हें अपनी नानी याद आ जाएगी। बताता हूँ। हमने ही मारा था बिलाल को। लोगों के लिए मैंने अपनी माँ की बालियां चोरी करके दिए तुम्हें। मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई है, मैं बता रहा हूँ। और मेरे पैसे मुझे अभी के अभी चाहिए, वरना मैं जा रहा हूँ पुलिस के पास कंप्लेंट करने। देख मेरी बात सुन, बिलाल गुस्सा मत कर यार, मैंने नौमी से बात की है ना, एक घंटे तक तेरे 15,000 रुपये का इंतजाम हो जाएगा। मुझे नहीं पता, पैसे चाहिए मुझे तेरे पूरे। देख नौमी आ गया। हाँ हाँ मिल जाएंगे तुझे तेरे पैसे, आते ही होगा मेरा क्लाइंट, दुल्हन तैयार करूँगी 15,000 की, मिल जाएंगे तुझे तेरे पूरे पैसे। हाँ ले ले यार। हाँ यार हमें माफ़ कर दे यार, शायद फौजिया तेरे नसीब में ही नहीं थी। तू तो हमारा दोस्त है ना, हमें माफ़ कर सकता है तू। पी ना। नौमी का मकान खाली था, उसका मालिक मकान दुबई में रहता था, इसीलिए बिलाल का काम तमाम माफ किया जा सकता था। हमने बिलाल को शरबत में बेहोशी की दवा मिलाकर पिला दी, और फिर
स्क्रू ड्राइवर से उसे कत्ल कर दिया। बाद में उसकी लाश को मोटरसाइकिल पे ले जाकर ठिकाने लगा दिया। बिलाल फौजिया के इश्क में दीवाना हो गया था। हमने उसे झांसा दिया कि ख्वाजा सरों की दुआ में बहुत असर होता है और फौजिया उसकी हो जाएगी। उसे हमने 15,000 रुपये ले लिए, मगर वो जल्दी समझ गया था कि हम उसे धोखा दे रहे हैं। हाँ ये सही कह रहे हैं, हमने किया। एक तरफ उसको फौजिया का गम था तो दूसरी तरफ कि वो समझ गया था कि हमने उसको मजबूर किया अपनी माँ की बालियाँ चोरी करने से। इंस्पेक्टर साहब, वो मेरे घर आके शोर मचा रहा था। बिलाल के गुस्से और धमकियों ने हमें डरा दिया था। हम कत्ल ना करते तो क्या करते। और मोटरसाइकिल पे जाके उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। हमें माफ़ कर दो इंस्पेक्टर साहब, हमें माफ़ कर दो। हाँ साहब, मुझे भी माफ़ कर दें, मैं तो ख्वाजा सरा हूँ, मेरी दुआ लगेगी आपको। अरे बदबख्तो, तुम लोगों ने सिर्फ 15,000 रुपए के लिए एक मासूम की जान ले ली और उसकी बहन और माँ की जिंदगी तबाह कर दी। तुम लोगों को जरा भी ख्याल नहीं आया। अब अपने किए की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। ले चलो इन दोनों को, चलो माफ कर दे। पेश करदा शवाहिद और हालात और वाकयात का जायजा लेने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि शाहिद का बिलाल के कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं। बिलाल का कत्ल उसके दोस्त नासिर और नोमान उर्फ नोमी ने पैसों की लालच में आकर किया। लिहाजा ये अदालत शाहिद को इस कत्ल के केस से बाइज्जत बरी करते हुए दोनों मुलजिमान नासिर और नोमान उर्फ नोमी को जेर दफा 302/34 के तहत सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@summer.tv।